नमस्कार। वर्ग आठ के विज्ञान के पाठ किशोरावस्था की ओर के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। ये प्रश्न वर्ग आठ के बोर्ड की परीक्षा पूर्व वर्षों में जो हुई है, वर्ग आठ के बोर्ड मॉडल, विभिन्न छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति इत्यादि से लिए गए हैं। ये प्रश्न सिर्फ इन्हीं परीक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, अपितु उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिनमें जीके के अंतर्गत विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रस्तुत है प्रश्न संख्या एक। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन है, पहला शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास, एडम्स एप्पल दिखना और रजोनिवृत्ति। तो ये जो पहले तीन हैं, ये दिखते हैं ये परिवर्तन, लेकिन ये रजोनिवृत्ति यौवनारंभ में नहीं होता है। तो हमारा आंसर यही है, चौथा नंबर। प्रश्न संख्या दो। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर वन 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन और 28 दिन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन फोर 28 दिन। प्रश्न संख्या तीन। निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन वन चिप्स, नूडल्स, कोक। ऑप्शन टू रोटी, दाल, सब्जियां। ऑप्शन थ्री चावल, नूडल्स, बर्गर। और ऑप्शन फोर शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। तो हमारा यहां आंसर होगा रोटी, दाल, सब्जियां। क्वेश्चन नंबर फोर। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम है? लैरिंग्स, कंठमणि, साउंड ग्लैंड, ध्वनि यंत्र। तो हमारा आंसर है कंठमणि। इसे ही एडम्स एप्पल भी कहते हैं। आप देखिए यहां पर हिंदी में दिया हुआ है कंठमणि, किसी किसी प्रश्न में आप देखेंगे कि ये इंग्लिश में है एडम्स एप्पल। क्वेश्चन नंबर फाइव। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 14 दिन, 22 दिन, 28 दिन, 40 दिन। ये 28 दिन। यह प्रश्न पहले भी आ चुका था, तो दोबारा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कई परीक्षाओं से ये प्रश्न लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। आप जानते हैं कि एड्स एक खतरनाक बीमारी है, तो कैसे फैल सकता है? क्वेश्चन नंबर वन भोजन करने से, और साथ भोजन करने से, कंघी साझा करने से, अर्थात एक ही कंघी से अगर एड्स वाले व्यक्ति से भी कंघी करते हैं और दूसरे व्यक्ति भी करते हैं, एक मच्छर काटने से या खून चढ़ाने से। तो ये एड्स जो फैलता है उनके कई कारण है फैलने के, लेकिन उनमें से यहां जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सिर्फ ये है खून चढ़ाने से। अगर संक्रमित व्यक्ति का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा तो उसे भी एड्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेवन। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं? ऑप्शन नंबर वन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली और चौथा है गुणसूत्र। तो हमारा आंसर है चौथा गुणसूत्र। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन वन है थायरोक्सिन,
दूसरा है लैंगिक हार्मोन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है एड्रिनलिन। तो ये हमारा आंसर होगा लैंगिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 9, किशोरावस्था की उम्र है, ऑप्शन 1 0 से 6 वर्ष, 2 0 से 10 वर्ष, 3 11 से 19 वर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था की उम्र हम जानते हैं 11 से 19 वर्ष होता है, और इस वर्ष को इस उम्र को हम लोग इंग्लिश में टीन एजर्स भी कहते हैं, इस उम्र में जो होते हैं। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किशोरावस्था की उम्र क्या है, 10 से 15 वर्ष, 12 से 21 वर्ष और तीसरा है 10 से 19 वर्ष, चौथा है 18 से 25 वर्ष। तो आप देखें कि इससे पहले वाले प्रश्न में हमारा आंसर था 11 से 19 वर्ष और यहां वो ऑप्शन नहीं, यहां है 10 से 19 वर्ष, तो ये लगभग समान है, इसलिए हम इसे ही सही आंसर मानेंगे। यौवनारंभ की उम्र क्या है, होती है 10 से 12 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष और 18 से 20 वर्ष। तो हम जानते हैं कि किशोरावस्था के बाद यौवनावस्था आता है, तो ये 19 वर्ष होता है, तो इसके बाद शुरू होता है ये ना, तो ये 18 से 20 वर्ष होगा। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, हम लोग जानते हैं कि जो मेढक का बिल्कुल छोटा रहता है उस समय टैडपोल कहते हैं, फिर धीरे धीरे उसके आकार में उसके रूप में बदलाव आता है और वो मेढक बनता है। तो ये जो बदलाव आता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पहला है यहां पर निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन, तो ये कायांतरण हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम होता है, पहला ऑप्शन है एक एक्स तथा एक वाई, दूसरा है दोनों एक्स तथा एक्स, तीसरा है दोनों वाई तथा वाई और चौथा है एक एम तथा एक वाई। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो क्रोमोजोम होता है स्त्री में जो होता है वो एक्स एक्स होता है और पुरुष में होता है एक्स वाई। तो यहां पुरुष के बारे में पूछा गया है तो हम लोग देख रहे हैं ये एक्स वाई है, एक एक्स है तथा एक वाई है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एडम्स एप्पल है, ऑप्शन 1 परिवर्तित स्वरयंत्र, 2 ऑप्शन 2 स्तन ग्रंथि, ऑप्शन 3 रेड एप्पल और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले भी हमने प्रश्न देखा था एक, तो वहां कंठमणि लिखा गया था, एडम्स एप्पल की जगह लिखा गया था कंठमणि। तो इसे याद रखें कि ये दोनों एक ही है, हिंदी में कंठमणि बोलते हैं और इंग्लिश में एडम्स एप्पल। ये क्या होता है, परिवर्तित स्वर यंत्र होता है जो किशोरावस्था में ये गले में दिखने लगता है, थोड़ा उठा रहता है, लड़कों में थोड़ा ज्यादा दिखता है, लड़कियों में चूंकि स्वरयंत्र छोटा होता है ये उभरा हुआ कम दिखता है। क्वेश्चन नंबर 15, केवल मादा के शरीर से उत्सर्जित होने वाला हार्मोन है, पहला है टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है एड्रेनलिन और चौथा है थायरोक्सिन। तो ये हमारा आंसर है प्रोजेस्टेरॉन, ये सिर्फ मादा में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, ऑप्शन 1 कैंसर, एनीमिया,
डायबिटीज और चौथा है बेरी बेरी। तो ये हमारा जो बीमारी होता है इंसुलिन की कमी से, ये है डायबिटीज। और ये इंसुलिन निकलता है पैनक्रियास से, या हिंदी में कहें अग्न्याशय से। क्वेश्चन नंबर 17, शिशु का लिंग निर्धारित होता है। ऑप्शन वन स्त्री के क्रोमोजोम द्वारा, दूसरा है पुरुष के क्रोमोजोम द्वारा, तीसरा है दोनों के क्रोमोजोम के द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी पहले हमने बताया था, फिर से बता रहे हैं, स्त्री में जो क्रोमोजोम होता है एक्स एक्स, और पुरुष में होता है एक्स वाई। स्त्री से जब भी क्रोमोजोम निकलेगा तो एक्स ही निकलेगा हमेशा, और पुरुष से या तो एक्स निकलेगा या वाई। जब ये एक्स निकलेगा तो यहां ये एक्स एक्स हो जाएगा, और स्त्री से तो एक्स ही निकलेगा, और फिर अगर यहां से वाई निकलेगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लिंग निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, ये पुरुष के क्रोमोजोम के द्वारा हो रहा है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। ऑप्शन वन ग्वाइटर, ऑप्शन टू स्कर्वी, ऑप्शन थ्री रिकेट्स, ऑप्शन फोर पोलियो। तो ये हमारा ऑप्शन वन ग्वाइटर सही उत्तर है। इसको हिंदी में हम लोग घेंघा रोग भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा है कुछ कुछ व्यक्तियों के गले में एक उभार रहता है और वही ग्वाइटर रोग होता है, घेंघा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है। ये ग्रंथि और हार्मोन का मैचिंग टेस्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन वन एड्रेनलिन वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन स्त्री हार्मोन, ऑप्शन थ्री एस्ट्रोजन मानव तनाव मुक्त हार्मोन, और ऑप्शन फोर टेस्टेरॉन पुरुष हार्मोन। तो ये जो चौथा नंबर जो मिलान है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन वन है अरक्तता, ऑप्शन टू है घेंघा, ऑप्शन थ्री है ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑप्शन फोर है रंग अंधता। तो लोहे की कमी से आप काफी आपने सुना है एनीमिया रोग होता है, और एनीमिया को ही हिंदी में कहते हैं अरक्तता। तो ऑप्शन वन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, एंडोक्राइन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है। ऑप्शन वन है हार्मोन, ऑप्शन टू है एंजाइम, ऑप्शन थ्री है क्रोमोजोम, ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पहला नंबर हार्मोन। इस वीडियो के शुरू में ही हमने कहा था कि इसके सभी प्रश्न या तो पूर्व वर्षों में हुई क्लास 8 बोर्ड से ली गई है, या बोर्ड मॉडल जो प्रश्न थे उनसे लिया गया है, या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति या मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति इत्यादि से लिए गए हैं। तो ये जो 21वां नंबर सवाल है ये 2022-23 के राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उस पौरुष हार्मोन का नाम बताइए जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेवार है। क्वेश्चन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर टू है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर थ्री है
इंसुलिन, और ऑप्शन नंबर 4 है टेस्टोस्टेरॉन। तो ये हमारा आंसर है टेस्टोस्टेरॉन, ये पुरुष से ये हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 23, मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन, जो इसके लार्वा से वयस्क बनने में सहायक है, के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, ऑप्शन नंबर 2 2 आयोडीन, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन, और ऑप्शन 4 है ऑक्सीजन। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हार्मोन है जो थायराइड से निकलता है थायरोक्सिन, वो मनुष्यों में भी और मेंढकों में भी, इसके लिए इसके सही स्राव होने के लिए जो जरूरत होता है वो है आयोडीन। अगर जिस तालाब में आयोडीन की कमी होगी उस तालाब में जो मेंढक का लार्वा है वो विकसित नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि का मुख्य कार्य है। ऑप्शन 1 है रुधिर यानी रक्त, खून कह सकते हैं, ब्लड में नमक की मात्रा को संतुलित करना, और दूसरा है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना अवस्थाओं में तनाव के संयोजन करना यानी बैलेंस करना। जब क्रोध हो, चिंता हो, उत्तेजना हो, तो ये जो तनाव होती है इसको बैलेंस करता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों होगा, ऑप्शन नंबर 4 है एक एवं दो में से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन 3 सही है, अर्थात एड्रिनल ग्रंथि का ये दोनों ही कार्य है, खून में नमक की मात्रा को संतुलित करता है और क्रोध, चिंता, उत्तेजना होता है तो तनाव को बैलेंस करता है। क्वेश्चन नंबर 25, एडम्स एप्पल एक सामान्य नाम है। ऑप्शन 1 एक सेब की किस्म का जो कश्मीर में उगाई जाती है, ऑप्शन 2 एक संगीत वाद्य का, ऑप्शन 3 एक भारतीय कंपनी के प्रतीक का, और ऑप्शन 4 लड़कों में बढ़ते हुए स्वर यंत्र का जो गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखता है। तो यहां हमारा ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 26, इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन 1 है अग्न्याशय अर्थात पैंक्रियाज, ऑप्शन 2 है अंडाशय, ऑप्शन 3 है थायराइड, और ऑप्शन 4 है अधिवृक्क। तो ये इंसुलिन निकलता है अग्न्याशय से, जिसे इंग्लिश में हम लोग पैंक्रियाज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन, और इसके लिए आवश्यक है जो ऑप्शन है पहला सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा आयोडीन और चौथा ब्रोमीन। तो पहले भी हमने इस प्रश्न के कई दोहराव हो चुके हैं, तो हम सभी जानते हैं ये ऑप्शन 3 यानी आयोडीन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है पैराथायरॉइड हार्मोन, ऑप्शन 2 है थाइमोसिन हार्मोन, ऑप्शन 3 है थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन 4 है एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये हमारा कोर्स ऑप्शन नंबर 1
पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सही आंसर है। रुधिर यानी खून में कैल्शियम के जो स्तर होता है उसको नियंत्रित ये करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। आशा है कि ये प्रश्न से आपको आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो क्लास 8 बोर्ड हो या छात्रवृत्ति परीक्षा हो या किसी भी तरह का प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए काफी सहायक होगा। धन्यवाद।